5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. ये जादू ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा, प्रेरणा जिसमें खो गए दीवाने से हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। इशारों में कहें हम थम के यह घड़ियां गुजारें, पहले कभी तो ना हमसे बतियाते थे ऐसे फुलवा। ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा, ना जिसमें खो गए से हो गई नजारा वो हर सु है मितवा। अपने संग अपनी नगरिया इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। अरे संग अनजाने का उस पर अनजान नगरिया, फिर कैसे तुम दूर इतने संग आ गई मेरी गोरिया। ये नज़ारा है बहुत ही प्यारे सी जगह का जिसका नाम है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और कान्हा नेशनल पार्क में घूमने वाली एक जगह हो तो हम आपको बताएं, बहुत सारी जगह हैं। तो फिर आकाशवाणी गोल्ड में तस्वीर में
आपका स्वागत है और आज हम आपको लेके जाएंगे कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा संग्रहालय में, वहां के राष्ट्रीय उद्यान में। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये पार्क दो जिले मंडला और बालाघाट में फैले सतपुड़ा के मैकाल पहाड़ी में स्थित है। लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला ये उद्यान बहुत ही करिश्मे से भरा हुआ है। आइए तस्वीर देखिए इसकी। चुप है के दिल सुन रहे हैं धड़कनों को आहटों को सांसें रुक सी गई हैं। चुप है के दिल सुन रहे हैं धड़कनों को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कान्हा नेशनल पार्क बाघों का घर भी कहलाता है। इसे 1879 में एक संरक्षित वन घोषित किया गया था और 1933 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। 1930 के दशक में कान्हा को 250 वर्ग किलोमीटर और 300 वर्ग किलोमीटर के दो जंगल यानी कि अभयारण्य हॉलन और बंजार में इसको अलग किया गया।
अब आई बात कि यहाँ पे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं कान्हा संग्रहालय, लापसी काबर, श्रवण ताल, सिंदूर के पेड़, कान्हा नेशनल पार्क के आसपास घूमने वाली दूसरी जगहों पे। इसके बारे में विस्तार से सब बताएंगे सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आकाशवाणी गोल्ड में, क्योंकि ये है तस्वीर। और आज तस्वीर है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कान्हा नेशनल पार्क की। किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना ओ रखना। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना ओ रखना। किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना। जाने मन जाने जान, मैं कहां तुम कहां, जाने मन जाने जान, मैं कहां तुम कहां, मेरी नजर हैरान है, ये आपका एहसान है। मैंने बनाया तुमने सजाया, प्रेम नगर है ये अपना ओ सजना। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना। मुझको यकीन है ये सच नहीं है, लगता है ये कोई सपना ओ रखना। किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना, प्रेम नगर है ये अपना। यही जादू होता है प्रकृति का। पता है जब हम प्रकृति के बीच में होते हैं ना, तो कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में रह के या फिर जहां हम डेली रहते हैं वहां पे रह के हमको समझ में नहीं आता है। तो कान्हा नेशनल पार्क में आप जब कान्हा संग्रहालय जाएंगे तो वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जैसे कि खटिया, इसको किसली बोलते हैं, और गेट के करीब स्थित इस संग्रहालय में साल भर आप जा सकते हैं। और ये वन्य जीवन, वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बहुत ही परफेक्ट जगह है। और इसके बाद लापसी काबर जाएंगे। लापसी काबर एक साहसी विशेषज्ञ शिकारी और गाइड ने अपने खिलाड़ी साथियों की जान बचाने की कोशिश में एक खूंखार बाघ से लड़ते हुए अपनी जान दी थी। उनकी याद में उस स्थान पर एक समाधि बनाई गई है जहां उन्होंने बाघ से लड़ाई की थी। और आज लापसी काबर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। होले होले चलो मोरे साजना, हम भी
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। सशक्ति से है नारी शक्ति का आधार। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। महिलाओं और बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन SPUWAC की एक पहल सशक्ति आत्मरक्षा ट्रेनिंग कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप के अंतर्गत हर वर्ग की महिलाएं www.spuwac.in पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार समय व स्थान का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से यह सुविधा साल भर और निःशुल्क है। तो देर किस बात की, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICIndia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। जिन करदाताओं ने निर्धारण वर्ष 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल न की हो, तो उनको मिल रहा है एक और मौका। विलंबित आयकर रिटर्न को लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक ई फाइल किया जा सकता है। साथ ही साथ निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए समय पर फाइल हुई इनकम टैक्स रिटर्न की संशोधित रिटर्न को भी बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक ई फाइल किया जा सकता है। अधिक जानकारी और रिटर्न ई फाइल करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। विकसित भारत के निर्माण को करें गति प्रदान, आपके आयकर का योगदान। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। कोई दिल पे अगर छा जाए तो क्या होता है, कोई दिल पे होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मुझको जुल्फों के साए में सो जाने दो सनम, मुझको जुल्फों के साए में सो जाने दो सनम। हो रहा है जो दिल में हो जाने दो सनम, हो रहा है जो दिल में हो जाने दो सनम। बात दिल की दिल में रह जाए तो फिर क्या होता है, बात दिल की दिल में रह जाए तो फिर क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है,
मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल और अगर आपका दिल आ गया ट्रैवलिंग पे तो फिर जान जाइए आपके पास, मतलब आप इतने रिच हो जाएंगे अपने अनुभवों में कि आप पूछिए मत, एकदम भरे भरे से लगेंगे, लगेगा आपको कि यार कोई कुछ पूछे और मैं उसको बताऊं कि घूमना कितना अच्छा है, जो हमें कितना ज्यादा अनुभवी बनाता है। तो भाई अब बात करते हैं श्रवणताल की। कान्हा टाइगर रिजर्व में स्थित एक छोटा तालाब वो स्थान माना जाता है जहां पे श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को लेके गए थे और इस तालाब से पानी लाते थे। पानी लाते समय श्रवण को भगवान राम के पिता दशरथ जी से मुलाकात होती है और उसके बाद की कहानी सब आप पता है आपको, इसीलिए इस तालाब का नाम श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया है। अब ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी ज्यादा इस पे हम सब विश्वास करते हैं ये अलग बात है, लेकिन ये सच बात है कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो किसी न किसी रूप से हमारी किसी न किसी आस्था में जुड़ी हुई हैं, और जब हम उस जगह को देखते हैं तो अपने आप में बहुत विस्तार पाते हैं और लगता है कि भाई यहाँ हम पहले क्यों नहीं आए। आकाशवाणी गोल्ड पे ये है तस्वीर कान्हा नेशनल पार्क की। जाना कहाँ है प्यार यहाँ है, दुनिया जवान है, दिल कर समा Yeah.
जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समां जाना कहाँ है। जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समां बनाइए 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 प्लान, क्योंकि मौका भी है दस्तूर भी है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं कान्हा नेशनल पार्क, तो फिर आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि वहां पे हर साल 15 अक्टूबर से 30 जून तक ही लोगों के लिए खुला रहता है। और यहां घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच में है, जब मौसम सुहावना होता है, वातावरण ठंडा होता है। हालांकि मार्च से जून तक इस राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पतियां सूख जाती हैं, जिससे बाघों को देखने में मदद मिलती है। काफी है इतना, है ना? मेरे ख्याल से आप कन्विंस हो गए होंगे घूमने के लिए कान्हा नेशनल पार्क। वैसे अगर आप नहीं गए हैं तो अभी से ही इसका प्लान बना लीजिए। और यहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जबलपुर से इसकी दूरी है 131 किलोमीटर, और सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जबलपुर ही है जो कि 160 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर रायपुर है 250 किलोमीटर की दूरी पर, और नागपुर है का हवाई अड्डा, और अमरकंटक है यहाँ से 159 किलोमीटर की दूरी पे। यानी कि ये सब जगह आप घूम भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और वहाँ जाने के लिए इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। देखा है तेरी आँखों में प्यार ही प्यार, देखा है तेरी आँखों।
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली के पते पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और भारत निर्वाचन आयोग लेकर आए हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2। सुनना ना भूलें। 1 दिसंबर से हर शुक्रवार आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ शाम 7:25, रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ शाम 7:45 और विविध भारती 106.4 मेगाहर्ट्ज़ रात 9:15। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तो क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना, नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना, तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। अरे तौबा मेरी तौबा, मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसी ना बोलो पड़ जाए मुझको, शर्माना
आंखों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना मुझको बना के दीवाना पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है तुम भी जरूर आना पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है तुम भी जरूर आना पलकों के पीछे से और पता है मैंने भी कई बार महसूस किया है कि जब हम कहीं जाते हैं ना और अच्छा लगता है तो हम उस जगह से कह के आते हैं कि देखो हम अभी तो जा रहे हैं लेकिन एक बार फिर से जरूर आएंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वन विभाग के गाइड सारे सर्किट पर पार्क के चारों ओर लोगों के साथ जाते हैं जो दर्शकों को कान्हा के वन्य जीवों के बेहतर ढंग से देखने में बहुत ही उनकी मदद करता है। कान्हा राष्ट्रीय सफारी के मुख्य आकर्षणों में एक है सनसन पॉइंट और जिसे पार्क के सबसे खूबसूरत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहां से कान्हा के जंगल की घनी पूरा मतलब पूरे दूर तक देख सकते हैं आप। बहुत सारी शानदार चीजें आपको नजर आएंगी। इसके अलावा यहां चलने और साइकिल चलाने का आनंद भी ले सकते हैं। खुली जीप में सफारी कर सकते हैं। जंगल में जीवन का अनुभव करने के लिए आसपास के गांवों में जा सकते हैं। काफी है इतना है ना। जाइए घूमिए और अपने आप को रिच बनाइए। के लिए
तस्वीर भी सज गई आपके घूमने के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर से मिलने के लिए आकाशवाणी गोल्ड से। मंजिल मस्त सफर, तुम हो हसीं, हम हैं जवां, सामने तुम हो फिर भी हमें होश नहीं, हम हैं कहां। प्यार की मंजिल मस्त सफर, तुम हो हसीं, हम हैं जवां, सामने तुम हो फिर भी हमें होश नहीं, हम हैं कहां। प्यार की मंजिल सताऊंगा दिन और रात, जब तक न दोगी तुम हाथों में हाथ। यूं ही सताऊंगा दिन और रात, जब तक न दोगी तुम हाथों में हाथ। ये जिद भी है कितनी हमको। आज की ताजा This is Akashwani. The news read by Nishit Kumar.